ओके, सो नोबडी इज गोना जज मी राइट अगर मैं बोलूं कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं? क्रिकेट पसंद नहीं, फिर क्या देखता है? छोटा भीम। दैट्स राइट, मैं छोटा भीम देखता हूँ। मुझे भीम के डोले बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो मुझे इतना पसंद है कि मैंने उसका चेहरा अपने तकिए पे प्रिंट करके रखा है और हर रात मैं उसे अपने टांगों के बीच में डाल के सोता हूँ। कोई दिक्कत? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है किसी चीज को पसंद या ना पसंद करना। इवन इफ लाइक लाखों लोग उस चीज को पसंद नहीं करते, तुम फिर भी उस चीज को पसंद कर सकते हो, कोई तुम्हें जज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल के पॉप, इंटरनेट में ऐसे लाखों लोग है जो के पॉप सुनने वालों का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें के पॉप पसंद है? कूल, मुझे नहीं पसंद, बट मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। लाइक तू के पॉप सुनता है? हा, गई। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। पहले मैं भी करता था ऐसा, बट अभी बड़ा हो चुका हूँ यार मैं। और वैसे भी किसी का मजाक उड़ाना बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, ये गलत बात है यार, मैं तो कभी नहीं करूंगा। आज ही देख मेरी नई टी शर्ट। तुझे पिंक पसंद है? तू लड़की है क्या? सी, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे हम सभी ने एक ना एक बार तो खेली है। पूरी मैच नहीं तो कम से कम एक शॉट तो मारी है किसी से बैट मांग के। अरे एक बार के लिए देना। पर भैया मेरा ओवर चल रहा है। अरे बस एक शॉट मारूंगा, देना। अरे पर भैया मेरा भाई ना कह रहे फुटार बच्चा। शॉट्स से याद आया, क्रिकेट में अलग अलग शॉट्स के नाम होते हैं, जैसे स्ट्रेट ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, पावर रेंजर ओवर ड्राइव। सॉरी, एक्चुअली मैं ये सब गूगल से देख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है कि ये सब अलग अलग शॉट्स के नाम है। यस, मेरी क्रिकेट की नॉलेज बहुत खराब है, लाइक सीरियसली बहुत खराब है। एक एग्जांपल देता हूँ, बचपन में जब मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई धोनी का स्क्वायर ड्राइव क्या मस्त था ना, तब मैं ये सोचने में लग जाता था कि साला धोनी क्रिकेट मैच में गाड़ी चला रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे बस इतना मालूम था कि ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो मुझे लगा चलाई होगी उसने गाड़ी, अमीर लोग है यार कुछ भी कर सकते है। ये तो बॉल डालना रे। पर धोनी भाई आप गाड़ी से तो उतरो। ये तो बॉल डालना रे कुतरिया। अच्छा टिकट डालता हूँ। ये मारा मारा ये मारा। तो मेरे सारे दोस्तों को क्रिकेट का बहुत क्रेज है, खासकर आईपीएल। जब भी देखो बस आईपीएल की बातें करते रहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का बढ़िया विसल लड़ेंगे। दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, अब दुनिया हिला दे हम। अब क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं इन बातों में कि अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ऐसे देखेंगे जैसे मैंने उनका हनीमून खराब कर दिया है। तुम लोगों ने कल बेन 10 का नया एपिसोड देखा? तो मुझे काफी लेफ्ट आउट फील होने लगा। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, अब से अपुन भी क्रिकेट देखेगा, क्योंकि मुझे भी कूल बनना था यार उनकी तरह। सो द नेक्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर रीचिंग होम इज वॉच अ क्रिकेट मैच। पूरी मैच नहीं देख पाया मैं, ऑब्वियसली बोर हो गया था, मुश्किल से 10 मिनट देखा होगा, बट मैंने इतना याद कर लिया था कि अपने दोस्तों के सामने जाके शो ऑफ कर पाऊं कि हाँ मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। तो पहुंच गया दूसरे दिन दोस्त के पास शो ऑफ करने। तूने कल की मैच देखी? धोनी ने क्या शॉट मारा। हैं? कल कौन सी मैच थी? अबे तू क्रिकेट नहीं देखता क्या? कल CSK वर्सेस RCB की मैच थी, थोड़ा क्रिकेट विकेट देखा कर। वो मैच एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया, कल हाइलाइट्स दिखा रहे थे। धोनी का कवर ड्राइव मस्त था ना? चूतिया। आई रिमेम्बर उस दिन बेइज्जती होने के बाद मैं कॉरिडोर में बच्चे पकड़ के धमका रहा था। ओए तू क्रिकेट देखता है? नहीं भैया। फिर क्या देखता है? बैंटन देखता हूँ भैया, फोर आर्म्स इज द बेस्ट। चुप है। बैंटन देखता है, क्रिकेट दिखा कर, समझा? चल भाग। और सुन, एलियन एक्स बेटर है फोर आर्म्स से, समझा? अब मेरे क्लास में से 10-15 ने तो क्रिकेट की कोचिंग भी लेके रखी थी, शो ऑफ कहीं के। जाते थे रोज शाम को, शरीर से 2 गुना बड़ा बैग लेके, सब होता था उसमें, बैट, ग्लव्स, पैड, वो नीचे पहनने वाला गार्ड। गार्ड से याद आया, मुझे लगता था कि गार्ड मुंह पे पहनते हैं क्योंकि वो मास्क जैसा दिखता है। आई नो इट्स स्टुपिड राइट, बट रियलाइजेशन तब हुआ जब मेरा एक दोस्त अपना गार्ड स्कूल में लेके आता है और मुझे बोलता है कि ये मास्क है, पहन के देख। मुझे लगा सच में मास्क है। अबे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है बे इसमें से। वो इसीलिए क्योंकि इसको नन्नू में पहनते हैं। पानी पिएगा? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब इन कमीनों को देख के मैंने भी लगा ली क्रिकेट की कोचिंग। पीयर प्रेशर बोलते। चुप है।
लेकिन सही में यार, पीयर प्रेशर में आके ना कभी भी चॉइसेस नहीं लेने चाहिए, नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होगा, जैसे मेरा हुआ। मैंने पूरी एक साल क्रिकेट की कोचिंग की है, लेकिन कुछ घंटा नहीं सीख पाया मैं, इंटरेस्ट ही नहीं था। आज भी ना ढंग से बैटिंग आती है ना ढंग से बॉलिंग, शायद इसीलिए मेरे दोस्त कभी खेलते नहीं थे मेरे साथ। चिंटू आजा मेरी टीम में, और राजू भी आजा, अब बस एक और प्लेयर चाहिए। दादी माँ आप आ जाओ। व्हाट? क्रिकेट कोचिंग मैंने 9th के बाद छोड़ दी थी, क्योंकि तब बोर्ड्स एग्जाम का प्रेशर आ गया था। बट उन्हीं एक साल में मैंने कुछ ऐसे मेमोरीज बनाए जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा हंसी आती है। बट तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि तुम लोग बैठ के मेरी कहानियां सुनोगे, बट मैं फिर भी सुनाऊंगा। तो उस दिन मेरा पहला क्रिकेट मैच था एंड हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी। सो बॉलर पहला बॉल डालने के लिए रेडी था एंड हम लोग अपने पूरे पोजीशन में थे। अब ठीक मेरे सामने एक बंदा बड़ी अजीब तरीके से खड़ा था एंड हिज लेग्स वर शेकिंग, बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे लगा शायद नर्वस होगा, तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। सो नाउ जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली, मेरा ध्यान सीधा बैट्समैन की तरफ गया। बट सिंस वो बंदा मेरे आगे खड़ा था, तो उसका पिछवाड़ा भी मुझे दिख रहा था एट द सेम टाइम। एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई सॉ अब समझे वो कांप क्यों रहा था, बेचारा टट्टी रोक रहा था अपनी। बट सिंस हमारे कपड़े व्हाइट कलर के थे, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सब साफ साफ दिख रहा था। बेचारा यार, ये लिक्विड वाली पॉटी कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर दिस लवली फैन आर्ट्स, तुम लोग बहुत ज्यादा स्वीट हो। एंड मुझे पता है इस बार वीडियो थोड़ी सी छोटी बनी है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, तो काम चला लो इस बार, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। আমি তো সরু মানু সরু হয়ে থাকিম, আমি তো সরু মানু সরু মানু সরু মানু, আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলাম জ্বলাই এটা চাকি, হেঁপাহতে উৰি আছো কলম তুমুৰ পাখি, কলম হব পাতত আৰু হব চাগে ৰাতি, যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী। আমি তো সরু মানু সরু হয়ে থাকিম, আমি তো সরু মানু সরু মানু সরু মানু, ই হাঁহিছে দুখতে হৈছেগে পগলা জাগিছে ভোকতে, ই মাগিছে শান্তি পাহৰি কষ্ট হাঁহি তাৰ মুখতে, ই ভাগিছে বিষাদ নীৰৱে অকলে বহিছে চুকতে, ই ভাবিছে কথাবোৰ নিৰূপে পৰিছে নিজৰে ৰূপতে, তোৰ তো টকা নাই তোকো লৈ কোনেও মৰমৰ ছবিখন অঁকা নাই।